दोस्तों YT भारत चैनल पर मई जून और जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं कि यदि उन्हें इंडिया में अच्छी स्नो देखनी है पड़ी हुई तो आपको कहां पर मिलेगी, और मेरा एक ही रिप्लाई होता है रोहतांग पास मनाली चले जाइए। और आज मुझे आप लोगों को ये गुड न्यूज़ देते हुए बहुत बहुत खुशी हो रही है। आई एम सो हैप्पी कि रोहतांग पास मनाली 14 जून 2021 को, मतलब 14th जून 2021 से पर्यटकों के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ ओपन कर दिया गया है। और पहले ही दिन लगभग 150 टैक्सीज को परमिट मिला, जो ऑफलाइन परमिट था रोहतांग पास जाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में रोहतांग पास जाने के लिए अभी क्या रेस्ट्रिक्शन है सब कुछ आपको बताया जाएगा। इसके साथ साथ मनाली में एंट्री करने के लिए अभी क्या नियम बाकी बचे हुए हैं, ये सब कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत हो, मैं देख रहा हूँ कि आप मेरे इस चैनल को बहुत से बहुत कर रहे हैं, बट 83.6% व्यूवर्स अभी चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि वीडियो आगे शुरू करने से पहले आप चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे पहले आपको मिलती रहें और हमारा मनोबल भी बहुत ज़्यादा आगे बूस्ट हो जाए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मनाली में रेस्ट्रिक्शन के बारे में आपको बताते हैं। यदि आप मनाली या हिमाचल में कहीं भी जाना चाहते हैं तो अब आपको केवल कोविड ई पास लेकर आना होगा, जिसके लिए आपको वेबसाइट covid19epass.hp.gov.in पर जा करके अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करने जा रहा हूं। इस वेबसाइट की इमेज भी आप यहां वीडियो पर स्क्रीन देख रहे होंगे। और यदि अभी यह भी पता लग रहा है कि भारी संख्या में टूरिस्ट ने कोविड-19 ई पास लेकर के हिमाचल में एंट्री शुरू करने स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी परमिट मिल चुका है, इसके साथ साथ RT-PCR रिपोर्ट लाने की अब आवश्यकता नहीं है। सभी होटल और पर्यटक स्थल खोल दिए गए हैं। धारा 144 हटा ली गई है। सभी दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक खुलेंगी और सैटरडे संडे को कुछ दिनों तक क्लोज रहेंगी। जैसे जैसे सरकार देखेगी वैसे वैसे आपको इनके अंदर और छूट देती चली जाएगी। अभी हिमाचल के अंदर जो आपकी रोडवेज की बसें हैं केवल स्टेट के अंदर चल रही हैं, कुछ दिनों में हो सकता है 1 जुलाई से ये आपके राज्यों से बाहर चली जाए, दिल्ली से वॉल्वो जाना स्टार्ट हो जाए। लेकिन अभी की अगर आप बात करें तो बस केवल प्रदेश के अंदर ही चल रही है। हालांकि अभी प्राइवेट बसें अभी स्टार्ट नहीं हुई है, उनकी हड़तालें भी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी उनकी भी हड़ताल ख़त्म होगी और राज्य और प्रदेश के बाहर से बहुत सारी बसें सब कुछ आना सामान्य हो जाएगा। होटलों में स्विमिंग पूल, ऑल ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल अभी बंद रहेंगे। सभी टूरिस्ट को कोविड से संबंधित नियमों का स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, परंतु कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। अब बात करते हैं जो ये असली वीडियो का टाइटल था, रोहतांग पास के बारे में, जिसको 14 जून 2021 से खोल दिया गया है शर्तों के साथ। भी क्या शर्तें हैं मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो लोकल टैक्सीज हैं उन्हीं को केवल अलाउड किया गया है प्राइवेट कार अपनी आप खुद लेकर के, ऑनलाइन परमिट बनवा करके नहीं जा सकते हैं। अगर आपको रोहतांग पास घूमना है तो अभी लगभग 1200 गाड़ियों को ही परमिट दिया जा रहा है एक दिन के अंदर, और ये परमिट आपका ऑफलाइन होने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि मनाली के SDM रमन घरसंगी जी ने बताया कि गुलाबा बैरियर क्रॉस करने के लिए परमिट मैन्युअली बनेगा और अभी ऑनलाइन परमिट की सुविधा स्थगित कर दी गई है, मतलब पोस्टपोन्ड है, जिसे टूरिस्ट की संख्या बढ़ने पर फिर से शुरू किया जाएगा और प्राइवेट कार को भी हो सकता है कि अलाउ कर दिया जाए। दोस्तों, गुलाबा बैरियर वह स्थान है जहां रोहतांग पास जाने के लिए परमिट का चेक किया जाता है, वहां पर चेकिंग अनिवार्य है। अब चलते हैं, आपको थर्ड पॉइंट बताते हैं। SDM साहब के आदेशानुसार टूरिस्ट गुलाबा बैरियर को मॉर्निंग सुबह 9 बजे से लेकर के
क्रॉस कर पाएंगे और शाम को 6 बजे तक वापस बैरियर से वापस लौटना होगा। अगर वेदर की कंडीशन थोड़ी सी खराब हो जाती है तो ये समय आगे पीछे भी किया जा सकता है। अब चलते हैं हम फोर्थ पॉइंट पर। रोहतांग पास ट्यूसडे हमेशा बंद रहता है और अभी भी बंद चल रहा है। हालांकि कहीं पर जानकारी थी कि 1400 वाहनों को परमिट मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, 1200 वाहनों को ही परमिट अभी एक दिन में दिया जा रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप मनाली, शिमला, हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्थान, लेह लद्दाख, कश्मीर, केरला, जयपुर इत्यादि के पैकेज लेना चाहते हैं, होटलों को बुक करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के टाइटल में मैंने अपने वेरीफाइड ट्रैवल पार्टनर का नंबर, मोबाइल नंबर दे दिया है। जा करके आप कॉल करके संपर्क करिए, पैकेज को बुक करवाइए सारी जांच पड़ताल करने के बाद, और हो करके आइए। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।